हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नए चैप्टर्स, जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उनके इंट्रोडक्शन और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। जस्ट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप इनकी मदद के बिना आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। सो यू मस्ट टेक केयर द इंट्रोडक्शन विद बेसिक कंसेप्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोऑर्डिनेट है, इसका मीनिंग आप समझिए। आप समझते ही आ रहे हैं क्योंकि पिछले क्लास में भी आपने इसके बारे में जाना। ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, अलजेब्रा और जियोमेट्री का कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, यानी जियोमेट्री के प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा की मदद से, अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को जियोमेट्री की मदद से। ओके, सो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the problems of geometry with the help of algebraic tools, यानी ये कहिए कि अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रा की मदद से आप जो है ज्योमेट्री को सॉल्व जब करोगे, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना है, देन एंड देयर क्या है, आपको जानना है कि कोऑर्डिनेट के लिए स्टार्टिंग क्या है। स्टार्टिंग है कि दो लाइन जिसमें एक वर्टिकल होता है, दूसरा हॉरिजेंटल होता है। यह है वाई एक्सिस जो वर्टिकल है, वाई ओ वाई डैश एंड एक्स ओ एक्स डैश, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। आप जो देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ जो एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव में रहता है, और जो बिलो ऑफ द एक्स एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होता है, वाई एक्सिस का जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। राइट साइड एक्स एक्सिस का जो ओ से ओरिजिन, ओ क्या है तो ओ आप जान लीजिए, ओ इज द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, इसको हम ओरिजिन नाम देते हैं ओरिजिन। ओके, हर एक के कोऑर्डिनेट होते हैं, इनके एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, यानी यही है जहां से कि ये नंबर लाइन मानकर चलिए, और इस नंबर लाइन में ओ जीरो को रिप्रेजेंट किया तो इधर पॉजिटिव वन टू थ्री, जैसा कि आप जान ही रहे, फोर फाइव। ओके, इधर आप निगेटिव में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, इधर पॉजिटिव में वन टू थ्री फोर फाइव, जस्ट ये नंबर लाइन है, और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। अब देखिए कि इसके बीच में देखिए दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये प्लस प्लस होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट
क्वाड्रेंट। अब यहां जो है देखिए एक्स के लिए माइनस है और वाई के लिए प्लस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोनों माइनस है, ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स प्लस है और वाई है माइनस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां हमें दो टर्म जानना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। जैसे कि आपने ओरिजिन का देखा, ये जीरो एब्सिसा जीरो ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट है क्या, मैं यहीं पर आपको छोटे से जगह पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में अंडरस्टैंड करा दूं। एब्सिसा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ओके। इस एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। एब्सिसा का दूसरा नाम हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। अब जरा देखिए यही पॉइंट है। अब यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि फ्रॉम वाई एक्सिस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ओके, तो ये एब्सिसा कह रहा है, ओके, ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस देखिए किसके इक्वल है, जो भी हो 2.5 2.6 2.7 जिसके बराबर, ओके। और ऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑर्डिनेट ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज इसको क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। That means देखिए perpendicular distance of a point from x-axis, ये देखिए, तो ये आप देख रहे हैं। अब यहां से आपने अगर इसको 2.5 माना तो ये 2.5 x का वैल्यू हो गया, और ये हाइट देखिए, यानी इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट जो भी कहो वह किसके बराबर है, 3। तो यानी इसके जो ऑर्डिनेट है वो 3 है। That means ये x और ये y, यहां x 2.3 y 3। तो इस तरह से आपने जाना, जो आप पहले भी 9th क्लास में जान चुके। हमें सबसे पहले तो जानना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस जिसे पढ़ना है क्लास 10th में, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड है सेक्शन फॉर्मूला, और थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप। हम पहले सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी टर्म होंगे, जैसे कॉलिनियरिटी के लिए क्या चाहिए कंडीशन, वो क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला में ही पता कर देंगे आपको कि किस तरह से आप थ्री पॉइंट्स है उसको कॉलिनियर, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है जो आप ज्योमेट्री में भी जान चुके हैं। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला और कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, और देन सेक्शन फार्मूला बताएंगे, और देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब कि किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे ये दो पॉइंट है, अब इनके डिस्टेंस आपको कहेंगे निकालने के लिए।
ये ए है पॉइंट और ये है बी है पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, एक्स वन वाई वन हम अभी कंसीडर कर लेते हैं, एक्स टू वाई टू। अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए ज्योमेट्रिकली यूज करना है, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो एक्सिस लिया है, ये हुआ वाई, ये हुआ ओ, ये हुआ एक्स। ओके, तो यहां मान लीजिए लेट, ओके, ओ एक्स एंड ओ वाई बी टू एक्सेस, दैट इज एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। अब मान लीजिए इसी में टू पॉइंट्स है जिसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है एंड बी एक्स टू वाई टू है, बी टू पॉइंट्स, ओके, टू फाइंड ए बी, ए बी फाइंड करना है। अब क्या करना है हमें, ए बी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए बी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एम बी एन और ए सी। हमने कौन कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर डाला ओ एक्स पर, बी एन भी परपेंडिकुलर डाला ओ एक्स पर, और ए सी परपेंडिकुलर डाला बी एन पर। अब यहां से देखिए, एक एक कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जो हमने लिखा भी है, एक्स टू वाई टू, तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ओ एम का डिस्टेंस हो गया और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ओ एन का हो जाएगा। इसी तरह ए एम हाइट जो है इसके वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और ये वाई टू। तो अब देखिए एम एन, एम एन हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये भी एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहां से जो हाइट आएगा ये देखिए पूरे वाई टू माइनस, ये देखिए ये वाई वन है तो सी एन जो है ये वाई वन, अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल का ए सी एन एम का इक्वल, तो वाई टू माइनस वाई वन। अब देखिए हमारे पास जो भी है वो तो डायग्राम से है, फ्रॉम अबव डायग्राम क्या क्या मिला हमारे पास, मिला ओ एन जो एक्स वन, ओ एन एक्स टू एम एन, एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए सी, ए सी और एम एन एक ही वैल्यू का आ गया। फिर देखिए ए एम ये आ गया वाई वन, बी एन ये आ गया वाई टू, तो सी एन इज इक्वल टू वाई, ये सी एन आ गया ए एम के इक्वल, दैट मीन्स वाई वन, तो बी सी आ गया y2 टू माइनस वाई वन। अब हम इस राइट ट्रायंगल एबीसी में चले, इन राइट ट्रायंगल एबीसी जहां डिस्टेंस हमको AB इज इक्वल टू क्या हो जाए, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का मतलब x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस BC y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर हम जो है एलिमिनेट करेंगे तो यहां स्क्वायर रूट डाल देंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर,
अब ये तो था कि हमारा कोई भी दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम किस तरह से जो है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि ए जो है वह बीच में नहीं होकर के क्वाड्रेंट के ये ओ पर हो, तो फ्रॉम ओरिजिन आपका कोई पॉइंट है, मान लीजिए हमको लेट पी बी ए पॉइंट, ओके, विथ कोऑर्डिनेट मान लीजिए विथ कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड ओ बी ओरिजिन, ओ जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, बी ओरिजिन, तो आपको ओ अगर पी फाइंड करना है, ओ पी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू मान लो एक्स है माइनस 0 प्लस वाई टू यानी वाई माइनस वाई वन यानी 0, यानी सीधा उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। और यहां पर आप यूनिट्स लिखना है, यूनिट्स, ओके, कोई भी डिस्टेंस जो है उसके लिए हम यूनिट्स जो है वह निश्चित रूप से लिखेंगे। तो इस तरह से आपने डिस्टेंस फार्मूला को देखा। आगे हम इसकी मदद से जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। अब सेक्शन फार्मूला, फिर उससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको कैसे थ्री पॉइंट्स जो है कॉलिनियर होता है इसे मैं दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डिस्टेंस फार्मूला जाना, तो इसकी मदद से इसका कहाँ कहाँ यूज है, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, यूज ऑफ सबसे फर्स्ट है टू चेक कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट है टू टेस्ट कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। ए बी एंड सी, अगर ए बी सी थ्री पॉइंट्स है तो ये कॉलिनियर हैं कि नहीं। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिनियर पॉइंट्स जानिए कि थ्री पॉइंट्स इफ लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर। और ये संभव है डिस्टेंस फार्मूला से। अगर मानकर चलिए कि आपने ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला डिस्टेंस फार्मूला से, फिर सी ए निकाला, और अगर इसमें से जो शॉर्टेस्ट है, मान लीजिए कि ये दोनों शॉर्टेस्ट, ये लॉन्गर है, इफ ए बी प्लस सी ए ये अगर इक्वल टू बी सी आ गया, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ए बी सी आर कॉलिनियर। और अगर ऐसा नहीं आता है, और इफ ऐसा नहीं आता है कि ए बी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर। अब एग्जाम्पल लीजिए, आपने मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लिया ए माइनस टू और 7, सी 3 और माइनस 3, ओके। अब देखिए यहां से आपको ए बी बी सी सी ए निकालना है। ए बी का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से आप कैसे निकालोगे, देखिए तो ए बी का मतलब माइनस टू माइनस 1,
होल स्क्वायर और 7-1 होल स्क्वायर, यानी 3-3 = 9 और प्लस 6-6 = 36 यानी √45, यानी 45 9 5 = 3√5। ओके बीसी, बीसी देखिए, बीसी मीन्स 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 ये आ जाएगा 5 5 = 25 और प्लस 100 ये 125 यानी 5√5। और एसी, एसी दैट मीन्स देखिए एसी यानी 3 - 1 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस ओके -3 - 1 होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 3 - 1 = 2 होल स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर 16 यानी 20। तो 20 इट मीन्स 2 2 = 2√5। अब देखिए सबसे लॉन्गर 5√5 है तो अब देखिए यहाँ ab + ac जो 3√5 है प्लस 2√5 है ये 5√5 जो किसके इक्वल आया bc। देयरफोर आप क्या लिखोगे ABC are collinear। अगर ऐसा नहीं आता तो लिखते कि ये collinear नहीं। ओके स्टूडेंट्स अब इस तरह से आगे और भी क्या चेक करना है देखिए चेक करने का टू चेक ओके फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स नॉन थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स नॉट फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स टू चेक थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ओके अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब जैसे देखिए ए है बी है सी है इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आपको बताना है कि क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के या आइसोसेलस ट्रायंगल के या आइसोसेलस राइट ट्रायंगल के या स्केलन ट्रायंगल के। अगर देखिए कंडीशन जानिए इफ ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए आ जाता है दैट मीन्स ये वर्टिसेस देन क्या हो जाएगा वर्टिसेस ओके आर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ऐसा आ जाता है अगर कोई भी दो साइड इक्वल आए ए बी इक्वल टू बी सी तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल जो है वह कैसा होगा ट्रायंगल इज आइसोसेलस ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। ओके अगर आप तीनों डिस्टेंस निकालिए अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया तो आप बताओगे कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं द गिवन थ्री पॉइंट्स गिवन थ्री पॉइंट्स आर ऑफ राइट ट्रायंगल यानी कोई राइट ट्रायंगल के कोई आइसोसेलस ट्रायंगल के कोई जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आप क्वाड्रिलैटरल के लिए है हाँ अगर ए बी ना तो ए बी आता है इक्वल बी सी ना बी सी आता है इक्वल सी ए दैट मीन्स ये कोई इक्वल नहीं आ रहा ना ए बी ओके इक्वल बी सी ए सी इक्वल सी ए इक्वल बी सी और ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है दैट मीन्स ना ए बी बी सी के इक्वल ना बी सी सी ए के इक्वल तो इट मीन्स ये स्केलन ट्रायंगल हो गया स्केलन ट्रायंगल। अब आगे देखिए टू चेक फोर पॉइंट्स क्वाड्रिलैटरल टू चेक फोर पॉइंट्स क्वाड्रिलैटरल
एंड क्वाड्रिलैटरल एंड इट्स टाइप्स. क्वाड्रिलैटरल नो, ये आप मान सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल. टू चेक फोर पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, यानी उसके आधार पर मान लीजिए पैरेललोग्राम होगा. अगर आपके पास में आपने निकाला गिवन है पॉइंट्स, पॉइंट्स गिवन क्या क्या है देखिए, पॉइंट्स है आपके पास में ए बी सी डी, ये चार पॉइंट्स, ये सबके कोऑर्डिनेट आपके पास में. अगर आपके पास में ए बी इक्वल सी डी आ गया, ए डी इक्वल बी सी आ गया, बट ए सी इज नॉट इक्वल बी सी बी डी आ गया, तो दैट मीन्स इट इज पैरेललोग्राम. यह कैसा कंडीशन होगा, इट इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का होगा. अगर आपके पास में ए बी इक्वल सी डी, ए डी इक्वल बी सी और ए सी इक्वल बी डी, तो यह रेक्टेंगल का कंडीशन होगा, इट इज रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का कंडीशन. अगर आपने ये फिर सिक्स जो है डिस्टेंस निकाला, ये सारा डिस्टेंस फार्मूला से आप निकालोगे. अगर आपके पास में ए बी बी सी सी डी डी ए आ गया और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आ गया, दैट मीन्स इट इज ए रोम्बस, इट इज ए रोम्बस. और अगर ये ऑल फोर साइड्स, ऑल फोर डिस्टेंसेज जो है, ए बी निकाला आपने, बी सी निकाला, सी डी डी ए और ये सब भी इक्वल मिला, फिर निकाला आपने ए सी और बी डी, ये दोनों भी इक्वल आ गया, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये कंडीशन स्क्वायर. तो आपने देखा कि ये जितने हैं ये सारे डिस्टेंस फार्मूला के आधार पर जो है प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको ये ज़रूरत होगा. स्टूडेंट्स, सेक्शन फार्मूला जानते हैं क्या कहता है, बृहत यूज वाइडली यूज. हम वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही सिर्फ ले रहे हैं, फोर क्वाड्रेंट में से. यहां पर दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट, जिनके नाम ए कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉइंट बी हैं. इन पर एक तीसरा पॉइंट मिड में, मिड नहीं इन बिटवीन, नॉट मिड इन बिटवीन पॉइंट पी है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, जो ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड करते हैं. आपको x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सो गिवन ओ एक्स एंड ओ वाई आर x एक्सिस एंड y एक्सिस. चलिए थ्री पॉइंट्स या टू पॉइंट्स, ए है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू एंड ए पॉइंट पी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से है लाइज बिटवीन
बिटवीन ए एंड बी ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ओके, ज्वाइनिंग ए एंड बी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ए एम एक्स एक्सिस पर, बी एम ये भी एक्स एक्सिस पर और पी, ओके, बी एन और पी आर, ओके, या पी क्यू लीजिए और यहां से ए आर और यहां से एक और ले लेते हैं पी सी। क्या क्या हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, ड्रॉ किया ए एम परपेंडिकुलर ओ एक्स, पी क्यू परपेंडिकुलर भी ओ एक्स, बी एन परपेंडिकुलर भी ओ एक्स। अच्छा, यहां से आप देखिए ए डी, ए डी परपेंडिकुलर, ओके, पी क्यू एंड पी सी परपेंडिकुलर बी एन। अब जैसा कि आप जान रहे हो कि ये वाई एम जो है वह कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो जाएगा ए, तो यानी वाई एम ये हो जाएगा एक्स वन, ये एक्स वन, यहां से ये हो जाएगा एक्स और यहां से ये एक्स टू, ये हो जाएगा एक्स में से एक्स वन माइनस और ये एक्स टू में से एक्स, ओके। तो क्या क्या मिला वो देख लीजिए, वाई एम एक्स वन और वाई क्यू ये एक्स और वाई वन एन ये एक्स टू, जिसे एम क्यू मिला, एम क्यू इक्वल टू ए डी, आप ये रेक्टेंगल से एम क्यू इक्वल टू ए डी जो एक्स माइनस एक्स वन मिला और पी सी इक्वल टू क्यू एन इज इक्वल टू मिला एक्स टू माइनस एक्स, ओके। अब यहां से देखे ये वाई वन ए एम, ए एम वाई वन, ए एम इक्वल टू आप डी क्यू, ए एम, ए एम इक्वल टू डी क्यू जो वाई वन है और पी क्यू इक्वल टू सी एन, पी क्यू इक्वल टू सी एन जो वाई हो गया। अब देखिए यहां से क्या मिलेगा और बी एन, बी एन जो है आपका वाई टू आ गया, वाई टू। अब यहां से हमको चाहिए पी डी, तो पी डी क्या आएगा, पी क्यू माइनस डी क्यू, पी क्यू माइनस डी क्यू यानी वाई माइनस डी क्यू, डी क्यू कहां है तो डी क्यू, डी क्यू मीन्स ए एम, ए एम यानी वाई वन, ओके। और बी सी चाहिए तो बी सी हो गया बी एन और माइनस सी एन, तो बी एन मीन्स हो गया क्या वाई टू और सी एन हो गया पी क्यू का इक्वल और पी क्यू हो गया आपका वाई, ओके, वाई हो गया। अब हमारे पास जो है ये दो ट्रायंगल आप देख रहे हो एपीडी और पी, एपीडी और पीबीसी, ये सिमिलर है ना, ट्रायंगल एपीडी इज सिमिलर ट्रायंगल पीबीसी, ये कहां से ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी देखिए कहां से, आप देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया और ये 90 से, तो सिमिलर ट्रायंगल के क्या होते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा कि ए डी बाय पी सी, ए डी बाय पी सी और पी डी बाय बी सी
इज इक्वल टू ए पी बाय पी बी। और देखिए ए पी पी बी क्या है, लेट ए पी जो है इक्वल टू एम और पी बी ए एन है। ओके तो आप देखिए यहां से हमारे पास में ए डी कितना है, ए डी, ए डी मीन्स एक्स माइनस एक्स वन बाय पी सी, पी सी हो गया एक्स टू माइनस एक्स, और पी डी वाई माइनस वाई वन, और बी सी वाई टू माइनस वाई, ये एपीएम और ये एन। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट लेकर के चलेंगे, फिर सेकंड एंड लास्ट। ओके तो फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो क्या मिलेगा, एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एक्स, एन एक्स माइनस एन एक्स वन एम एक्स टू माइनस एम एक्स, और ये आ जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। यहां से एक्स कॉमन लिया, एम प्लस एन इक्वल टू एम एक्स टू। ओके इसको आप पलट दो, यहां से लिखो एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू बाय बाय भी कुछ नहीं। ओके आप यहां से एम प्लस एन और यहां भी एम प्लस एन कैंसल, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू बाय एम प्लस एन। और इसी तरह से अब देखिए वाई का वैल्यू निकालना है, तो नाउ अब y का वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम सेकेंड एंड लास्ट जाएंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड लास्ट, तो यहां से आएगा n y माइनस वाई वन एम वाई टू माइनस वाई, तो यहां से n y माइनस एन वाई वन इक्वल टू एम वाई टू माइनस एम वाई। अब देखिए ये यहां से एम वाई लाइए और प्लस एन वाई इक्वल टू एन वाई वन प्लस एम वाई टू, यहां से वाई कॉमन लीजिए, एम प्लस एन इक्वल टू एन वाई वन प्लस एम वाई टू, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, एन वाई वन प्लस एम वाई टू बाय एम प्लस एन। तो आपने क्या देखा, इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी जो एक्स वाई है इज इक्वल टू क्या है, एन एक्स वन, यही फॉर्मूला यूज करोगे आप, सेक्शन फॉर्मूला इसी को कहते हैं, एम एक्स टू बाय एम प्लस एन कोमा एन वाई वन प्लस एम वाई टू बाय एम प्लस एन, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ओके सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड यू विल मीट इन द एक्सरसाइज where this formula can be used to solve and it will be help